अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं तनवीर अहमद होम किचन गार्डनिंग से। तो आए व्यूअर्स, हम अपने किचन गार्डनिंग के अंदर से फूल गोभी को हार्वेस्ट करेंगे। तो इस फूल गोभी की अगर आपने वीडियो देखनी हो कॉलीफ्लावर की, तो मेरे चैनल के अंदर मौजूद है वीडियोस, वो आप वीडियोस देख सकते हैं। तो इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाकर देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और ना भी लगे, तो फिर भी सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और मेरे इस वीडियो को लाइक भी दे देना। एक कंटेनर के अंदर मैंने दो फूल गोभी लगाई हुई है, एक ये लगी हुई है। लें जी, ये हमारी 12 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर फूल गोभी लगी हुई थी। इसका साइज इसलिए इतना बड़ा नहीं हुआ कि इसके ऊपर मुख्तलिफ कीड़े लग गए थे, सबजेला, ग्रीन तेला, इस तरह के काफी ज्यादा कीड़े लगे हुए थे। ऑर्गेनिक स्प्रे करते 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 खत्म करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहे थे। केमिकल का स्प्रे किया इसको, उसके बाद ये आस्ता आस्ता खत्म हो गए कीड़े, और ये एक छोटा सा फ्लावर ऊपर निकला है फूल गोभी का। 12 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर भी आपको अच्छा खासा इसका साइज मिल जाता है फूल गोभी का। और जो ये वाला हमारा पौधा है, इसके ऊपर कोई भी स्प्रे नहीं किया हुआ और कोई भी फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया हुआ, ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार की थी, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और इसके अंदर जो टमाटो के पौधे लगे हुए हैं, उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। ये चेक करेंगे, सारे टमाटो के पौधे एक ही कंटेनर के अंदर लगे हुए हैं, और कंटेनर का साइज तकरीबन 3 फिट चौड़ा है और 4 फुट लंबा है। के अंदर जो हमने मिट्टी तैयार की थी, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि मिट्टी आपने किस तरह तैयार करनी है, तो वो वाली वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो अभी इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। लें जी, एक प्यारा सा फूल मेरी तरफ से आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये वाला फूल आपको अच्छा लगेगा। अभी हम दूसरे पौधे की तरफ चलते हैं और उसका भी फूल उतारते हैं, और वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लें जी, ये हमारा दूसरा फूल था। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और जाते जाते ये मेरे टमाटो देख लें, इसमें से मैंने उतारे भी हुए हैं और ये अभी लगे भी हुए हैं।